बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो है वो अर्नेस्ट हेमिंग्सले का नावल है ओल्ड मैन एंड द सी, द ओल्ड मैन एंड द सी। इसको डिटेल डिस्कस किया जाएगा, इसके सिंबल्स क्या हैं, इसकी करेक्टराइजेशन क्या है, इसके थीम्स क्या हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एक टाइटल आ जाता है अर्नेस्ट हेमिंग्सले का, नावल है द ओल्ड मैन एंड द सी का। इसके अंदर करैक्टर्स आ जाते हैं हमारे पास, करैक्टर्स को देखते हैं। करैक्टर्स में हमारे पास जो मेजर करैक्टर्स हैं वो हैं सैंटियागो है और मैनोलिन है। सैंटियागो ओल्ड मैन है, मैनोलिन जो है वो यंग मैन है। अच्छा, एक बात जो है कि हेमिंग्सवे के नावल्स की एक खसूसियात ये है कि ख़ास खासियत ये है कि जी इसके नावल जितने भी हैं उनमें हीरो दो होते हैं, एक ओल्ड हीरो होगा और एक यंग हीरो होगा। जो ओल्ड हीरो होगा वो मोस्टली क्या होगा, एक्सपीरियंस्ड मैन होगा, और जो यंग हीरो होगा वो हमारे पास इनएक्सपीरियंस या अनएक्सपीरियंस कह लें एक बच्चा होगा, यंग मैन होगा। अब हमारे इस नावल में सैंटियागो जो है ये एज आ ओल्ड हीरो है, एक्सपीरियंस्ड हीरो है, ख़ास पर्सनैलिटी जो कि एक सिंबलाइजेशन की तरफ लेके जाएगी हमें। इसी तरह मैनोलिन जो है ये एक यंग मैन है, बच्चा है, जो कि सैंटियागो का हेल्पर भी है, सैंटियागो का स्टूडेंट भी है, दोनों का आपस में म्यूचुअल कोऑपरेशन भी है। हम देखते ही है कि सैंटियागो जो है वो मेन करैक्टर होने के नाते इस पूरे नावल में क्या हैसियत रखता है, क्या अहमियत रखता है। सैंटियागो बेसिकली एक फ़िशरमैन है जो कि क्यूबा के साहर पर फ़िशिंग करता है। मैनोलिन उसका शागिर्द है। सैंटियागो से काफ़ी अरसा से मछली पकड़ी नहीं गई है, जिसके नतीजा में मैनोलिन के पेरेंट्स ने उसे फ़िशिंग से पीछे कर लिया कि इस टीचर के अंडर आप वर्किंग ना करें। ये बदकिस्मत है, अनलक्की है। हत्ता कि इर्द गिर्द के जो लोग हैं उन्होंने सैंटियागो को अनलक्कीएस्ट मैन कहना शुरू कर दिया। अब ये नावल जो है इसके अंदर एक ख़ास स्कूल ऑफ थॉट चल रहा है। नावल जो है ये एक फ़िलासफ़ी के ऊपर बेस करता है, एग्जिस्टेंशियलिज्म। इस लाइफ के अंदर, इस दुनिया में आप एग्जिस्ट करते हो तो क्या कुछ आपको करना पड़ता है। अब सैंटियागो है, इसने नावल के अंदर एक मछली का टारगेट पकड़ा है। उस मछली को उसने गहरे समंदरों में जाके कोशिश की है पकड़ने की, अपनी उस कोशिश में वो कामयाब हुआ है। फिर काफ़ी स्ट्रगल के बाद उस मछली को पकड़ के लेके आए साहल पर, लेकिन उस स्ट्रगल के अंदर, उसकी कावश के अंदर, उस कोशिश के अंदर, साहल पे मौजूद, समंदर में मौजूद शार्क्स मछलियाँ जो हैं खा जाती हैं। नतीजा ये निकलता कि उसके पास जो उसका टारगेट था, गोल था, एक मछली, बड़ी मछली जो पकड़ी उसने, उसका सिर्फ स्केल्चन ढांचा रह जाता है जिसे वो साहल पर लेके आता है। नावल के इस एक्शन के अंदर हेमिंग्सवे बेसिकली बताना चाह रहा है कि जी साहल के ऊपर इतनी कोशिश के बाद एक टारगेट लेके आया है वो, लेकिन टारगेट को वो फ्रूटफुल अचीवमेंट के साथ नहीं ला सका। टारगेट स्केल्चन बन गया है उसका। इस चीज़ को उसने डिने किया है कि इस चीज़ को छोड़ दें, आप टारगेट के ऊपर अहमियत दें, टारगेट को फोकस करें, अपने गोल की तरफ आएं, ज़िंदगी का एक मकसद बनाएं, उस मकसद को हासिल करने के लिए आप स्ट्रगल करें, करेज करें, कोशिश करें। हासिल हुआ या नहीं हुआ इस मसले में ना पड़े। तभी इसने एक थीम भी पेश कर दी है, फेलियर एंड सक्सेस डज नॉट मैटर, इट इज़ अ स्ट्रगल डैट इज़ अ मैटर। कि कामयाबी ना या नाकामी मसला नहीं है, मसला जो है वो आपने कोशिश की है, आपने अपने टारगेट को हासिल करने के लिए कोशिश की है। अगर कोशिश की है तो फिर आप बात करते अच्छे ही लगते हैं, अगर कोशिश ही नहीं की है तो फिर आप बात नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं, ये कुछ इसके अंदर सिंबल्स हैं। ओल्ड मैन जो है सैंटियागो बेसिकली वो सिंबल है कॉमन मैन का, आम आदमी का, पुअर मैन का। ओल्ड मैन सिंबल है कॉमन मैन का, पुअर मैन का। सी इस नावल में सिंबल है
वर्ल्ड का, दी वर्ल्ड ये दुनिया। अब अगर दोनों को जस्टिफाई करें, दोनों को देखें, तो हमारे सामने एक टाइटल जो आ जाता है, दी ओल्ड मैन एंड दी सी, बूढ़ा आदमी और समंदर। सिंबॉलिकली डिस्कस करें, गरीब आदमी, कॉमन मैन और ये दुनिया। अब समंदर भी बहुत बड़ा वसत रखता है, जानते हैं आप, और सी जो है ये भी बहुत गहरा होता है। और लिटरेचर के अंदर मोस्टली सी को समंदर के साथ सिंबलाइज किया गया। हमारे यहाँ इसका टाइटल जो है जस्टिफाई हुआ कैसे कि जी ओल्ड मैन जो है, एक कॉमन मैन जो है, गरीब आदमी और इतनी बड़ी दुनिया क्या कर सकता है, इतनी वसी दुनिया है, इतने हैवी टारगेट्स हैं उसमें, एक आम आदमी, एक कमज़ोर आदमी उसमें इंतहाई कोशिश कर्ज रखने के बाद ही कोई टारगेट, कोई गोल हासिल कर सकता है। लेकिन बाद दफ़ा ये भी होता है कि वो गोल तो हासिल कर लेता है लेकिन गोल को पा नहीं पाता, उसका फ्रूट जो है उसको टेस्ट नहीं कर पाता। क्यों? गरीब आदमी है, कॉमन मैन है, ओल्ड मैन है और इस दुनिया में उसने कोशिश की है। हेमिंग्स ने कोशिश ही का मैसेज दिया है, स्ट्रगल करें, कोशिश करें। तो हमारे सामने यहाँ बन गया ओल्ड मैन, कॉमन मैन एंड दी सी और वर्ल्ड। कॉमन मैन और ये दुनिया जो है, इसमें क्या वर्किंग होती है इसकी? फिश है जिसे पकड़ के लेके आता है, मार्लिन उसका नाम है, वो यहाँ सिंबलाइजेशन दे देता है, सिंबल बन जाता है टारगेट ऑफ लाइफ का, कि ज़िंदगी में इंसान का एक टारगेट होना चाहिए, उस टारगेट को पाने के लिए वो स्ट्रगल करे, भागे, हाथ पांव मारे, कोशिश करे। शार्क्स हैं, शार्क्स मछलियाँ, ये वही मछलियाँ जो इस बड़ी मछली को खा जाती हैं, ओल्ड मैन के टारगेट को जो खा जाती हैं। ये बेसिकली है एंटी फोर्सेस का सिंबल। एंटी फोर्सेस में रात के इंसान जो कोशिश करता है, स्ट्रगल करता है, उस कोशिश को नाकाम करने वाले एलिमेंट्स हैं। तो अगर हम देखते हैं तो माशरे में ऐसे हैं, हमारे हम अमूमन इस तरह की एग्जांपल दे रहे हैं, एक बच्ची है वो डॉक्टर बनना चाहती है, अब वो डॉक्टर बनने के लिए माशरे में उतरी है, निकली है बाहर, MBBS कर रही है, अब देखें कितने मसाइल का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे होंगे जो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये डॉक्टर नहीं बन सकती, लड़कियां भी डॉक्टर बनती हैं, ये एंटी फोर्सेस हैं। मैं अमूमन मास्टर इन इंग्लिश की क्लासेस लेता हूँ, तो मास्टर इन इंग्लिश में मेरे पास जो कंप्लेन आती है बच्चियों की, ज़्यादा बच्चों की, खास कर बच्चियों की बड़ी आती है, वो कहती हैं कि हम जब जैसे ही रिश्तेदारों को, मोहल्लेदार किसी को बताते हैं ना मास्टर इन इंग्लिश कर रहे हैं, तो वो एक ही बात करते हैं, आपसे हो जाएगा, वो तो बड़ा मुश्किल होता, वो तो नहीं होगा। तो ये चीज़ एंटी फोर्सेज हैं, ये जो आपकी सक्सेस के रास्ते में, आपकी कामयाबी के रास्ते में रुकावट पैदा करती हैं, आपको गिराने की कोशिश करती हैं, आपका हौसला नहीं बढ़ाती हैं, आपको नीचे गिराती हैं, आपके मोरल को नीचे लेके आती हैं। तो ये शार्क्स ने वो वर्किंग की है। तो माशरा बड़ा पड़ा है, जगह जगह ऐसी चीज़ें मौजूद हैं, जगह जगह ये ब्रेक्स, स्पीड ब्रेकर मौजूद होंगे जो आपके ये सक्सेस को, टारगेट को तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो बाहिम्मत लोग होंगे, जो कोशिश करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, वो इससे घबराएंगे नहीं, देखें वो आगे बढ़ेंगे, अपना टारगेट हासिल करेंगे, वो इंतहाई मुश्किलात, परेशानियों के बावजूद एक सक्सेस का जो है ना गोल उसे लेके आएंगे। बाकी ऑप्टिमिज्म और पैसिमिज्म का सिस्टम चलता है, वो एक लेसन हर पाया जाता है कि बाज़ राइटर जो होते हैं ऑप्टिमिस्टिक व्यूज़ दे देते हैं, बाज़ पैसिमिस्टिक व्यूज़ दे देते हैं। तो एंड पे इसने भी आपके सामने एक ऑप्टिमिस्टिक व्यूज़ दिया कि डज नॉट मैटर, कोई मसला नहीं है, कोशिश तो करें, आगे तो बढ़े हैं, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। हेमिंग्सवे ने बेसिकली ये ओल्ड मैन और सी के जरिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है कि आम आदमी हो आप, कुछ नहीं है आपके पास, गरीब हो, लेकिन करेज तो है ना, हिम्मत तो है ना, काम का जज्बा तो है ना, अगर स्ट्रगल नहीं है, करेज नहीं है, तो फिर नहीं है आप, फिर आपके पास कुछ नहीं है। वो किसी ने बोला ना कि जी जो इंटेलिजेंट बंदा होता है, इंटेलिजेंट मैन कैन फेल बट हार्ड वर्कर मैन कैन नॉट बी फेल, कि जो इंटेलिजेंट बंदा होता है वो फेल हो जाता है, लेकिन जो हार्ड वर्कर बंदा होता है वो नहीं फेल होता।
यही वो यही यही चीज़ हेमिंग्सवे ने अपने नावल में बताई है कि अपने आप को आम आदमी ना समझें, गरीब आदमी ना समझें, आप बस करेज है, हिम्मत है, हौसला है, मेहनत का लगन का जज्बा है, उसके ज़रिए आप अमीर हो जाएं, आगे बढ़ें। जैसे आपने एक बात सुनी भी हुई है कि गरीब पैदा होना जुर्म नहीं है लेकिन गरीब मरना जुर्म है। यही बात इसको हम कह सकते हैं कि जी गरीब हो आप, कोई बात नहीं है, हिम्मत के साथ, कोशिश के साथ, स्ट्रगल के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ें। इस समंदर, इस दुनिया के समंदर में अपना टारगेट तलाश करें, उस गोल को हासिल करें। हासिल नहीं कर सकते तो कम से कम उसको हासिल करने की कोशिश तो करें, तो बहुत हद तक जो है ना इंसान कामयाब हो जाता है। तो यही उसने पूरे नावल के अंदर अपना थीम पेश किया कि ओल्ड मैन है और सी है, एक खुला समंदर है, उसमें इंसान ने अपना टारगेट हासिल करना है। उम्मीद है तालिबे इल्म इस लेसन को आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। खुदा हाफिज़।